हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो का टॉपिक है हैंगिंग बास्केट पर भी, जो बिल्कुल ही जीरो बजट में मैंने तैयार किया है और बिल्कुल ही फ्री में। जो सामान हमारे घर पर पड़े रहते हैं उन सामानों को रीयूज करके मैंने ये हैंगिंग बास्केट तैयार किया है, जिसमें हम फ्लावर लगा करके अपने बालकनी के उनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बालकनी में हैंगिंग बास्केट हर कोई लगाना चाहता है। और जिन लोगों के पास बजट नहीं है, ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देख करके भी ज़रूर से ज़रूर हैंगिंग बास्केट बना करके फ्लावर लगा करके अपने बालकनी के लुक को बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो बहुत ही काम के होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं समय को ना गंवाते हुए। मैं हूं कल्पना शर्मा और स्वागत है आप लोगों का कल्पना इमेजिन चैनल पर। तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक पानी का कंटेनर ले लिया है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। इसी का हम आज हैंगिंग बास्केट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक स्केच पेन लेंगे, एक चाकू लेंगे और गैस के चूल्हा जो गर्म करेंगे चाकू को। तो सबसे पहले स्केच पेन से हमने निशान बना लिया, जिस भी शेप में कटिंग करना चाहते हैं, जो भी लुक देना चाहते हैं वो लुक दे सकते हैं। तो मैंने ये जिग जैग करके निशान दे दिया है। इसका लुक मुझे अच्छा लगा। 5 इंच तक के मैं हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी, जो वज़न के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगी, क्योंकि मिट्टी प्लांट से वज़न बढ़ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं एक चाकू गर्म करके मैंने कटिंग करके अलग कर लिया। तो कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से है। एक चाकू स्पेशली मैंने यही सब करने के लिए रख लिया है। किचन के चाकू इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, वो ख़राब हो जाता है। और 4 होल कर लिए हैं, वो मैं बड़े प्लांट लगाऊंगी। अब ये मेरा छोटा सा हैंगिंग बास्केट मेरा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लुक बनकर इसका हुआ है। इसमें मैंने 3 होल किए हैं, जिसमें मैं रस्सी या वायर जो भी बांधना चाहे आप बांध करके हैंगिंग कर सकते हैं। तो मैंने 3 होल किए हैं, 4 होल भी कर सकते हैं, बराबर बराबर की मात्रा पर कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बनने के बाद कुछ इस प्रकार से है, कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मजबूती के मामले में अच्छा है। तो अब इसमें हम हैंगिंग करना शुरू करेंगे। जो हॉल हमने बनाए हैं उसमें पहले हम वायर को सेट करेंगे। मैंने ये एक इलेक्ट्रिक वायर लिया है, जो ख़राब था, मेरे घर में पड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, तो इसी का मैं यूज करूँगी। ये मजबूत है बहुत ज़्यादा। मैं इससे पहले भी बहुत सा यूज कर चुकी हूँ, जो लोहा का पतला वाला वायर आता है वो यूज कर चुकी हूँ। मैं अब ये वाला यूज करूँगी, ये काफ़ी मजबूत है। तो इसकी लंबाई आप 25 से 30 इंच के लगभग रख सकते हैं। आप जितना लॉन्ग अपना बनाना चाहते हैं उतना लॉन्ग रख सकते हैं। मैंने ये 25 से 26 इंच तक के वायर को इसमें बांधना शुरू कर दिया है। तो एक होल में मैंने एक तरफ बांधा है, अब दूसरे होल में मैं वही वायर को बांधूंगी। ये वायर बहुत ही मजबूत है, तो इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दूसरे हॉल में हम इसको अच्छी तरीके से मजबूती से बांध लेंगे। आपको इतना लंबा वायर लेना है कि दिखने में लगे हैंगिंग बास्केट लटकाने में आसानी हो सके। तो बांध लेंगे, ये 25 से 26 इंच मैंने लिया है। आप 30 इंच भी ले सकते हैं, 20 इंच भी ले सकते हैं, फ्लावर के अकॉर्डिंग, प्लॉट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं एक सिंगल वायर लूँगी, जो उन दोनों का आधा है, मतलब 30 इंच है, तो 15 इंच का मैं ये वायर लूँगी। और बांधने के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3-4 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये बनाते वक्त ही समझ में आ जाता है, 1-2 बनाने में लोग सीख ही जाते हैं। तो मैं ये एक वायर नाप ली हूँ, पहले सेंटर में बीच में ये हैंगिंग बास्केट को रख करके इस तरह से, और उसके बाद मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी बड़ा वाला वायर को। बांधने के लिए इतना मैं रख ली हूँ, जिसको मैं उसमें फंसा करके बांधूंगी। अब मैं इसमें बिल्कुल ही बीच सेंटर में बीचों बीच में मैं इस तरह से आप देख सकते हैं बांधना शुरू करूंगी, जो बहुत ही आसान है, इजी है। ये अगर बच्चे को भी बता दें, सिखा दें, तो बच्चे भी बना लेंगे। इस तरह से बीचों बीच, जिस तरह से हम लोग चोटी बांधते हैं अपने बालों की, उस तरीके से कुछ इसको हम लोग को बनाना है। एक तरफ करेंगे, फिर एक दूसरे वायर में करेंगे, फिर एक तरफ करेंगे, और इसी तरह करके फिर बीच में हम वायर के छोर को घुसा करके टाइट कर देंगे। इससे बहुत ही मजबूती से हैंगिंग बास्केट हमारा तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा इलेक्ट्रिक वायर है, जो थोड़ा सा टाइट है,
तो बनाने में थोड़ा सा टफ लगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये हमारा हैंगिंग बास्केट तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी एक है जो होल है, होल से आसानी से मिट्टी बाहर निकल जाएगी। उसके लिए मैंने एक जुगाड़ा लगाया है, ये मैंने मिट्टी के दिए लिए हैं जिसमें होल कर लिए ताकि पानी निकले। और ये दीपावली में बच ही जाते हैं, सबके घर में बच जाते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का ढक्कन या फिर कुछ भी ले सकते हैं जो इसमें फिट हो सके। अगर दिए छोटे पड़ रहे हैं तो पहले सूती कपड़ा बिछा लेंगे थोड़ा सा जो खराब होगा पतला वाला, उसके बाद दिए रख देंगे तो एक बूंद भी मिट्टी नहीं बहेगी और पानी भी हमारा आसानी से ड्रेनेज होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हैंगिंग बास्केट बनकर तैयार हुआ है। इसको पेंट करना चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं, पर मैं पेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। मैं एक ही कलर सारे घर में यूज करूँगी ये हैंगिंग बास्केट का, तो मैं कलर नहीं करूँगी। ब्लू कलर मुझे अच्छा लग रहा है, अगर कलर कर देंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ और बना करके रख लिए हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है। मार्केट से अगर खरीदने जाएंगे तो पैसे लगेंगे, और उतना बजट जिन लोगों के पास नहीं है वो बिल्कुल ही आसानी से इस तरीके से हैंगिंग बास्केट अपने घर में बना करके जो चाहे फ्लावर, जितना चाहे फ्लावर लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड कल्पना इमेजिन चैनल।